क्या आप सब जानते हैं ब्रिटिश नेवी सोमाली पायरेट्स को भगाने के लिए इतनी अजीब सी टेक्निक का यूज करते हैं जिसके बारे में आप सब ने कभी सुना ही नहीं होगा, और ये एग्जैक्टली 100% रियल फैक्ट है। और ऐसी क्या वजह है जो कुछ लोग होते हैं जो नए नए जिम में जाकर के अपने सोशल फिटनेस को अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, ऐसी क्या वजह है? इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीनू और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक और नए सस्ते फैक्ट्स से भरे पड़े वीडियो पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। बॉर्न ट्रॉपी ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें सामने वाला इंसान एक काउ या फिर एक ऑक्स की तरह बिहेव करने लगता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो तकलीफ में होता है, या सीधे शब्दों में कहें तो वो फिजिकली पेन में होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो लड़के या फिर लड़कियां अपने फिटनेस रूटीन को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, मोस्ट लाइकली वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उन्हें एक सपोर्टिंग हैंड की ज़रूरत है या फिर हेल्पिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पजलिंग वर्ल्ड, न्यूजीलैंड की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट। एक्चुअली ये बस एक सिंगल स्टोरी मेज बिल्डिंग बनाया गया था साल 1973 में, पर ग्रेजुअली एक अवार्ड विनिंग कॉम्प्लेक्स बन गया इसकी ऑप्टिकल इल्यूजन और पजलिंग रूम की वजह से। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये दुनिया का सबसे पहला 3D मेज स्ट्रक्चर भी बनाया गया था। मुझे पता है कि अंडे वेट के हिसाब से नहीं लिए जाते हैं, मतलब वो पर पीसेस के हिसाब से लिए जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अंडे का जो वेट होता है उसके आउटर वाला शेल उसके कंप्लीट वेट का 12% होल्ड करता है। एक छोटा बच्चा अपने जन्म से लेकर के टॉयलेट जाना सीखना तक एवरेज में 7000 डाइपर्स यूज कर लेना या फिर कह सकते हैं चेंज कर लेता है। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए। साल 1998 में अफ्रीका के 11 सॉकर प्लेयर्स एक लाइटनिंग स्ट्राइक से मर गए थे, कंप्लीट टीम, और उनकी जो ओपोनेंट टीम थे यानी कि उनके राइवल टीम थे, राइवलरी टीम थे, उनमें से एक को एक खरोच तक नहीं आई थी, और ये इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस इवेंट्स में से एक मानी जाती है। क्या आप बेसुरा गाते हैं मेरी तरह? सो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपकी इस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को कम कर सकता हूँ। ब्रिटिश नेवी सोमाली पायरेट्स को भगाने के लिए अपने शिप्स पर ब्रिटनी स्पेयर्स के गाने लगाते हैं, मतलब घोर बेइज्जती। और उनका ऐसा करने के पीछे का मेन वजह है, ब्रिटनी स्पेयर्स की वॉइस जो है वो एक्चुअली थोड़ी सी पतली और शार्प है, जिसकी वजह से सोमाली पायरेट्स को ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा और थोड़ा सा घिनौना लगता है सुनने में। ये पूरी दुनिया रेयर चीज़ों से कम्प्लीटली भरी पड़ी है। हर कोई ना कोई इस दुनिया में रेयर होता है, कोई ना कोई यूनिक होता है। इसी यूनिक प्रॉपर्टी के साथ इस दुनिया में एक नया यूनिक चीज़ आया है जिसे हम कहते हैं रॉयनल ब्लड, और ये इस दुनिया का सबसे रेयर ब्लड है, और सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं गोल्डन ब्लड। अब ये है इस दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस। ये इजिप्शियन टूम में मिली थी और ये 5000 साल पुरानी थी। इस गारमेंट को तरखान ड्रेस कहते हैं, जो कि प्लांट फाइबर्स और एनिमल्स के स्किन से बनाई गई थी। ब्लश, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ब्लश करते ही हैं, पर ऐसा क्या वजह है जो कि हम ब्लश करते हैं? इसकी पीछे की मेन और सिंपल सी वजह है हमारे शरीर में काफ़ी स्पीड से एड्रेनलिन का एक साथ रश करना, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर कभी कभी पिंक कलर के ब्लशिंग्स होते हैं। क्या आप सब जानते हैं हम एवरेज के हिसाब से 28,000 बार एक दिन में अपनी पलके यानी आईब्रोज को ब्लिंक करते हैं, और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि पलके झपकाने से हमें फिजिकल रेस्ट मिलता है और मेंटली स्टेबल हो सकते हैं, जो कि इस मॉडर्न डे में हम नहीं करते हैं क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं अपने सेलफोन्स और लैपटॉप्स में, जिसकी वजह से हम अपनी पलके झपकाने की रेशियो यानी कि रेट कम कर देते हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही सस्ता ज्ञान। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आपके न्यूज़ फीड पर आएँ तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए। विद दैट इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।